माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है और बार बार मुख्तार अंसारी को अपनी जान का खतरा सता रहा है। इतना ही नहीं, मुख्तार ने जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। अंसारी का कहना है कि उसे स्लो पॉइजन दी जा रही है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी ने बृहस्पतिवार को बाराबंकी जिले की अदालत को अपने डर के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें जहरीला पदार्थ खाने में मिलाकर दिया जा रहा है। जहरीला खाना परोसे जाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वहीं फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुए। अंसारी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया। अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के माध्यम से दायर आवेदन में अंसारी ने कहा कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। प्रार्थना पत्र में उसने कहा कि खाना खाने के बाद मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर के साथ शरीर में सभी नसों में दर्द होने लगा। अधिवक्ता ने कहा कि इस घटना से पहले अंसारी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था और इसलिए उन्होंने अदालत से उनके उचित इलाज के लिए चिकित्सकों की एक टीम बनाने का अनुरोध किया है और जेल में दिए जाने वाले खाने की जांच और सुरक्षा की मांग की गई है। अंसारी ने आरोप लगाया कि 40 दिन पहले भी इसी तरह खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। इससे भी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और हाथ पांव में कमजोरी रहती है।